कलीसिया के लिए उसके हृदय पे क्या है वो बोल रहा है उसके शेष लोगों के लिए भी उसके हृदय पे क्या है वो बता रहा है, है, है की पुस्तक के बावनवे अध्याय को एक बार फिर हम पलटेंगे आई वुड रीड वन टू एंड थ्री वंस अगेन एक बार फिर एक दो awake, awake! put on thy strength, o zion! put on thy beautiful garments, o jerusalem, the holy city! for henceforth there shall no more come into thee the uncircumcised and the unclean. shake thyself from the dust arise and sit down o jerusalem loose thyself from the bands of thy neck o captive daughter of zion for thus saith the lord ye have sold yourselves for naught and ye shall be redeemed without money

तो सियोन के प्रति हम उसके हृदय को देखें कि सियोन की बहाली करे एंड अल्टीमेट उसे उसके अंतिम लक्ष्य तक ले आए फॉर और यही सब कुछ सियोन के लिए उसने चाहा यू नो डिस्पाइट हर प्रेजेंट कंडीशंस गॉड सेज और उनकी वर्तमान स्थितियों के बावजूद That she should be awakened. She should respond to God's word. And the Lord says that He wants to restore Zion. Now, before we move on to the things that, you know, the word of God that God has been speaking to us. इससे पहले कि क्या परमेश्वर एक विचार मैं आपके पास लाना चाहता हूं हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर गॉड्स पीपल इन दिस आर्ट इन घड़ियों में कितनी महत्वपूर्ण बात है परमेश्वर के लोगों के लिए हाउ इंपॉर्टेंट इट इज फॉर गॉड्स पीपल टू बी अवेक और कितना महत्वपूर्ण है कि इन घड़ियों में वे जागृत रहे यू नो मेनी अ टाइम वी मे थिंक दैट We are already awake. और कई बार हम ऐसा सोचते हैं कि हम तो जागे हुए हैं like नाउ आई में पलटना चाहता हूँ बुधवार की जूम मीटिंग में इन बातों को मैंने दर्शाया था एफिशियंस विश्व की पत्री एंड चैप्टर फाइव और अध्याय पांच वर्स फोर्टीन और चौदहवी आयत Here the Apostle Paul writes to the church in Ephesus. And it says in verse 14 Wherefore he saith Awake thou that sleepest and arise from the dead and Christ shall give thee light. और मसीह ज्योति देगा सी देन दे वॉक सर्कम स्पेक्ट ध्यान पूर्वक सतर्क के चले बट एज वॉइस बुद्धिमानी के साथ निर्बुद्धि के समान नहीं समय को बहुमूल्य जाने क्योंकि दिन बुरे पूरे हैंज अगेन इन वर्ड सेवन इन वेर फॉर बीन और अन वॉइस बट अंडरस्टैंडिंग हो ध्यान से समझो की प्रभु क्या है नए नियम की एक बहुमूल्य कलिसिया को पोलो ये पत्र लिख रहे the church in Ephesus। और ये मेंलिसिया है saints of God there। और वहाँ संत were very, very hungry for God। परमेश्वर के प्रति बड़े भूखे हैं

In you know, verse 17 and 18, or that or the God, God of our Lord Jesus Christ, the Father of glory, may give unto you the spirit of wisdom and revelation in the knowledge of him, the eyes of your understanding being enlightened, that he may know what is the hope of his calling and what the riches of the glory of his inheritance in the saints. We have heard many times this scripture. You know, but Paul writes to this very church. Which had such a hunger and longing for all the counsel of God. We read here that he is praying that their eyes may be opened. therefore, these believers in Ephesus. They were good people. वे परमेश्वर के प्रति भूखे थे Maybe they were sincere, और वे थे, they were loyal और वे थे, और ईमानदार थे मस्तानी वेर वेरी लॉयल और वे बहुत ही निष्ठावान थे even to the Apostle Paul. और यहाँ तक कि पुलिस के प्रति ईमानदार और थे father, कि उनका वो आत्मिक पिता था एंड ये दैट तो भी हम एक बात देखते हैं कुछ लोग आत्मिक रूप से सोए हुए थे Their eyes were still not really open. तो भी उनकी आंखें अभी तक नहीं खुली थी ना दिस इज वन थिंग आई वॉन्ट टू कन्वे और ये एक बात मैं हर एक से कहना चाहता हूं पर्सन इज अस्लीप यदि कोई व्यक्ति सो रहा है इज एबल टू ब्रीथ और वो सांस लेने में समर्थ है यू आर alive, और हो सकता है कि आप जीवित हो बट what इज happening टू अ पर्सन हु इज asleep? पर क्या होता है जब कोई व्यक्ति सोता है इज कट ऑफ फ्रॉम वो वर्तमान वातावरण में पूरी तरह से उससे कटा हुआ रहता है इज कट ऑफ फ्रॉम व्हाट इज हैपनिंग? और जो कुछ हो रहा है उससे भी कटा हुआ रहता है यू नो सो वी सी दैट एज एज दॉफिट ऑफ गॉड सेज से अवेक और परमेश्वर का नबी कहता है कि जाग अवेक जाग ओ डोर ऑफ ज़ायन। उस यून की बेटी तू जाग

That they were, कि वे, some of them were spiritually asleep. पर कुछ उसमें ऐसे थे जो कि सो रहे थे to to them, और और को कहना पड़ा और सच्चाई के प्रति उन्हें जाग उठना है जो उनके चारों तरफ है और बहुत ही बुद्धिमानी के साथ ध्यान पूर्वक करना होगा निर्बुद्धि के समान नहीं पर एक बुद्धिमान के समान और समय को बाबू जाने सो वी सी वन थिंग वेरी क्लियरली हियर एक बात देखते हैं स्पष्ट रूप से ऑल्स हार्ट फॉर देंस इन एफ एफिस के संतों के प्रति उसका हृदय इन ई वंट सो ई वंट टूडे इन मिट्ट यहां तक हमारे बीच में भी आज वी कु ऑल्सो बी इन अ स्पिरिचुअल स्लीप और हम हो सकता है कि आत्मिक रूप से सो रहे हो वी मे बी लॉयल

एम्फोसाइजिंग परमेश्वर इन चीजों के ऊपर जोर दे रहा है वो जो उसके शेष लोग उनके मध्य बात पे जोर दे रहा हो सकता है वी मे बी कट हम क, कटे हुए वॉट गॉड इज डूंग इन समाइव कुछ जिंदगियों के अंदर जो परमेश्वर कर रहा है गॉड इज एट वर्क इन द लाइफ ऑफ गॉड्स पीपल एंड येट सम ऑफ अस मे बी कट ऑफ हो सकता है जो परमेश्वर लोगों की जिंदगी में काम कर रहा हूँ और हम उससे कटे हुए हों

उट इन ये उसका जो अपने लोगों के मत में उड़ेले जा रहा है इससे जुड़े हुए स्वाभाविक रूप से you know, हमारी अपनी जिंदगी के अंदर we have seen that. हम ये देखते हैं काम कर रहे हो और कुछ घरों में काम कर रहे पर हो सकता है हम सो रहे हो

वी आर अस्लीप और कुछ लोग ऐसे स्थान में होंगे जहाँ सो रहे हैं। We are not in that environment of God's present working. हम परमेश्वर के उस वर्तमान कार्यों के प्रति जागृत नहीं हैं, हम कटे हुए हो सकता है। और और लोग लोगों में सो रहे होंगे स्वाभाविक रूप से यहाँ भी और बाहर वे सच्ची आराधना से कटे हुए हैं well, और बट दे हो सकता है वे जागृत हो पर पूरी जो सभा के भाग न होट वी आर इन स्पिरिचुअल स्ली मतलब यह है कि हम सोए हुए फॉर ऑल ऑफ अस इवन दिस मॉर्निंग स्पिरिचुअल मैन अपॉन गॉड इंग प्रेजेंट हाइन इन वर्तमान समय में जो परमेश्वर हमारे बीच में करो थेज बीन मिनिस्टिंग टू अस जो कुछ परमेश्वर इंद्रो हमारे गॉड्स हार्ट इज टू रेस्टोर जॉन और परमेश्वर के हृदय पे अपने कलिश अपने सियोन को बहाल करने का विचार है और अपने प्रेम में वो अपने सियोन से भेंट कर रहा है। द हैं कैप्टिव डॉटर इज टू वेक और जो कमजोर सियोन की बेटी है उससे जाग उठना है एंड नो दैट गॉड इज स्टिल लविंग अभी भी सियोन से, से, से प्रेम करता है और आपसे प्रेम करता है अपनी कलिचा से प्रेम करता है you sold for nothing But the lord says you will be redeemed god's heart is set upon redeeming and restoring zion that's one thing i would like to say that is what god's heart is that is what god wants to do और परमेश्वर चाहता है कि उसकी कलीसिया उसके लोगों के मध्य में छुटकारा और बहाली का काम हुआ लगा हुआ है परमेश्वर हमारी सच में सहायता करे पिछले सप्ताह हमने सुना वेरी क्लियरली बहुत स्पष्ट रूप से फ्रॉम गॉड्स वर्ड परमेश्वर के वचन में से गॉड वॉन्ट्स पीपल टू नो से चाहता है कि उसके लोग that जाने इज गॉड्स हैंड दैट विल फुलफिल व्हाट गॉड हैज बिगन और जो कुछ परमेश्वर ने आरंभ किया उस ये उसका हाथ ही है जो उसे पूरा भी करेगा द लॉर्ड स्पोक वेरी क्लियरली टू अस बहुत तो स्पष्ट रूप से प्रभु ने हमसे कहा वी नीड टू परसिवियर कि हमें निरंतर दृढ़ता के साथ तो बने रहना है इन नो द लॉर्ड सेड प्रभु ने कहा हाउ ही सीज अपने को कैसे देखता है और हमने बालक का उदाहरण के कलि का उदाहरण सुना said, मैं कोई अधर्म नहीं देखता उस जेकअ में आई डों इस में मैं किसी प्रकार का बिगाड़ नहीं Low देखता और देखो कि ये लोग कैसे अलग थलग रहते हैं इन सोवीसी देखिए परमेश्वर का परमेश्वर जो बातों को पूरा करता है आगे सप्ताह के हमारे मनन में हमने स्पष्ट रूप से देखा वो अपनी परिपूर्णता से चीजें आरंभ करता है In Christ, all things are complete, we saw. Now we have to walk according to our calling. And here is the battle. The battle is on. The enemy is out to bring us out of that position. Where where is. जहां की परमेश्वर ने हमें उद्धार के द्वारा लाके आया है एंड सो वेरी क्लियरली शत्रु का यह अभिप्राय है कि वो हमारी इस बुलाहट को यथार्थ बना इज नॉट पॉसिबल विथ मैन और इस सोच सकते हैं नहीं मनुष्य दी एंटायर क्रिस्टियानिटी और पूरी समूची ये कहती है कि हम प्रभु की सादृशता में नहीं बढ़ सकते exactly और यही सब कुछ ऐसा We ही ने कहा, कहा के हम इस भूमि को अधिकृत नहीं कर there सकते। there. और वहाँ तो देते लोग हैं और दीवारें बड़ी ऊंची हैं। वी आर वेरी फ्यू इन नंबर हम तो बहुत संख्या में छोटे हैं थोड़े हैं you know,

डिसिप्लिन एंड हेल्प अस हमें सहायता करें हमें शिक्षित करें और हमें अनुशासित करें हार्ट आर इन द डायरेक्शन ऑफ गॉड्स पर्पस जब परमेश्वर प्रति हमारे कदम Lord आगे होंगे अवर हार्ट आर टू टू डस्ट और शेक ऑफ द डस्ट एंड राइस एंड सिट यदि हम स्पिरिट हम्स हम अपनी धूल को झाड़ देते हैं खड़े होते हैं तो परमेश्वर की आत्मा हमारी सहायता करेगा कि हम उस दिशा में आगे बढ़े हमने ये भी सुना वी आर हमें निरुस्सा नहीं होना है यदि मार्ग कठिन प्रतीत होते हैं तो परमेश्वर ने हमें उत्साहित किया इन विचारों के द्वारा इट्स राइजिंग वे ये एक चढ़ाव वाला रास्ता है दैट मीन्स यू एंड आई वी मस्ट ओवरकम कि मुझे और आपको जयवंत होना है। और हर एक कदम पे हर एक दिन हमें जैवंत होना है जैसा कि हम गीत गाते हैं कि पवित्र आत्मा आए स्ट्रेंथ इन एवरी और हर एक निर्णायक स्थिति में वो हमारी डे लाइफ प्रतिदिन के जीवन में हम एक बार एक ही कदम रखें वी मे सी दबी टू हाई एंड टू फार और हमें तो दिट कैन ब्रिंग समटाइम्स डिस्करेजमेंट बट टाइम ये बहुत ऊंचा है उसको देख के कई बार हम निश्साहित हो जाते हैं वी आर बहुत दूर स्टेप इज ऑन द वे टू जॉन आवर फीट आर ऑन द वे हम अपने कदम को बढ़ाते जाएं वी ऑल्सो हर्ड वेरी क्लियर टूवर्ड द और अंत में हमने सुना के सुबह जो परमेश्वर हमसे कहने जा रहा है उससे ये सब बातें जुड़ी इसलिए सारी बातों का पुनरावलोकन किया जा रहा है in आरम्भ के दिनों में हमने देखा है कि उसके वचन के प्रति और उसकी परिपूर्णता में आने के लिए हमारे अंदर डेज और मैं अपने जवानी के समय को याद करता हूँ और ये जब सच्चाई मैंने सुनी इज जील बट एक धुन थी मेरे यार इन अवर ओन जील वी कैन नेवर मेक इट पर हम अपनी इस धुन से उन चीजों को पूरा नहीं कर सकते परमेश्वर इंतजार कर रहा है कि हमारी ये धुन की जो हवा है वो अंत हो तो वो सहायता करे। करेड परमेश्वर स्थानों में हमें लाएगा हम परमेश्वर के जनों को सुनते हैं स्पष्ट रूप से हमने पढ़ा। स्थान पे आ ऐसी उन्होंने पहचान लिया कि परमेश्वर में उस दिशा में आगे बढ़ने के लिए

इनसे वो इसीलिए काम नहीं कर पाता क्योंकि हमारी असंवेदनशीलता जो है काम करती। और परमेश्वर की शक्तिशाली जो सामर्थ्य वो काम इसलिए नहीं, नहीं करती लाइफ की हम असंवेदनशील होते हैं इनसे प्रतिदिन कदम उठाने में It's हम असंवेदनशील होते हैं आफ्टर सो मेनी ईयर्स इन द Of सदी में पवित्र आत्मा जो है कमजोर हो गया है। जैसा वो सामर्थ्य है as he was in the first century, जैसा वो पहली सदी के कलिशा में था। he was in the life of the Apostle Paul. जैसा कि की पोलोस के जीवन में था। जैसा यीशु मसीह के जीवन में था वो he

Of God in our lives. और कई बार अपनी जिंदगी के अंदर उसकी शक्तिशाली सामर्थ का अनुभव नहीं कर पाते हैं हमारी स्थिति को बरकरार रखने के लिए और सारे धूल झाड़ के हम खड़े हो जाएं। to ascend into those heights और उन ऊंचाइयों की तरफ बढ़ जाएं इट डिमेंड फेथ इन अवर और वो मांग करता है हमारे विश्वास की इटमैंड हमारे जिंदगी के अंदर वो मांग करता है विश्वास की और वो मांग करता है विश्वास की हमारी जिंदगी में हम ऐसे समय में रह रहे हैं और बहुत कुछ विश्वास के विषय में प्रचार किया जाता है और शिक्षा दी जाती है

एक बार फिर हम कहना चाहेंगे यू नो इन इन ऑर्डर ऑर्डर टू टू मेंटेन पोजीशन शेक ऑफ एंड अराइज और अपनी स्थिति को बरकरार रखने के लिए फेथ इन ऑल और धूल को झाड़ने के लिए और ऊपर उठने के लिए विश्वास की आवश्यकता है वी ऑल हैव एक्सपीरियंस दिस और ये सब कुछ हमने अनुभव किया है वी गो थ्रू मेनी ट्रायल्स बहुत सारी परिस्थितियाँ बहुत सारी आजमाइसो में हम गए मेनी थिंग्स है बहुत कुछ होता है हमारे प्रतिदिन की जिंदगी में फर्स्ट डे मैं एक बात हर एक कहना चाहता हूँ दोपनिंग इन आवर लाइफ जो कुछ हमारी जिंदगी में हो रहा है नॉट जस्ट है देर आर स्पिरिचुअल फैक्टर्स बिहाइंड इन सारी चीजों के पीछे एक आत्मिक कारक जुड़ा हुआ है देर आर स्पिरिचुअल ऑन अवर वे इन अवर लाइफ हमारे जिंदगी के अंदर हमारे मार्गो में ये जो परिस्थितियां आपके खड़ी होती हैं, इनके पीछे एक आत्मिक कारक जुड़ा हुआ है एंड आई वॉन्ट से हर एक जवान से और बड़े कहना चाहता हूँ Get hold of this truth into our lives. We need discerning, we need spiritual eyes to see those things. The spiritual factors behind them. And therefore, my prayer today is that the Lord would register this in all our hearts. परमेश्वर हमारे हृदय के ऊपर इन बातों को दर्ज कर दे नॉट एज ए एन ओ नॉलेज एक ज्ञान के रूप में नहीं रिलीजियस वे जो धर्म के रूप में नॉट एज एन इन्फॉर्मेशन न केवल एक जानकारी के रूप में बट दैट दिस में बी अ वर्किंग प्रिंसिपल पर ये एक क्रियाशील सिद्धांत के रूप में lives, हमारी पूरी जिंदगी के दर थिंग्स इन अवर डे टू डे लाइफ और जो कुछ हम प्रतिदिन जिनका सामना करते हैं दे दे आर आर नॉट नॉट स्टैंड अलोन्स जस्ट देयर और ये केवल हमारे सामने ऐसी खड़ी नहीं है पर इन सारी चीजों के पीछे एक आत्मिक कारक है सो मे गॉड रजिस्टर दिस विद इन और हमारे अंदर ये बातें दर्ज हो जाएं। एज अ वर्किंग प्रिंसिपल एक क्रियाशील सिद्धांत के रूप में इन माई ओन लाइफ मेरी जिंदगी आप में आपकी जिंदगी में मेंस्ट वीक जैसे पिछले सप्ताह हमने सुना कि ये सच्चाई है दी इज आउट देर शत्रु बाहर निकला रिमूवर क्या हमारी स्थिति से वो बाहर निकालते हैं टू मेक इट थ्रू मेनी सिचुएशन बहुत सारी स्थितियों के द्वारा ये चीजों को आ यथार्थ बना दे योर डिफिकल्ट सिचुएशन आपकी जो कठिन स्थितियां मेरी कठिन परिस्थितियां अवर चैलेंजेस हमारी चुनौतियां और हमारी जिंदगी के अंदर ऐसी परिस्थिति आए और हमें रोक दें दो चीजें वी सी एन एक्सपीरियंस एज फ्रस्ट्रेशन वो चीज डे टू डे लॉ एक प्रतिदिन के जीवन में एक कुंठा के रूप में हमें दिखती है दे आर नॉट जस्ट थिंग्स इन देम सेल्व से अपने आप में वस्तुएं नहीं है रिमेम्बर दैट याद रखें इस बात को दे आर नॉट थिंग्स इन इनसे वे अपने आप में चीज नहीं है देर आर स्पिरिचुअल फैक्टर्स बिहाइंड उनके पीछे आत्मिक कारक जुड़े एज द चिल्ड्रन ऑफ गॉड परमेश्वर के जन होने के नाते एज वर बोर्न अगेन और जिन लोगों का नया जन्म हुआ इन टू गॉड्स और परमेश्वर के देश में आए There is a spiritual factor to everything. और हर एक चीज के पीछे एक आत्मिक कारक जुड़ा हुआ। There is a spiritual intelligence that is at work behind it. और इसके पीछे एक आत्मिक बौद्धिक मत्ता या बुद्धिमत्ता का कार्य करती है And therefore it is necessary ने इसलिए बहुत जरूरी है क्या मैं बहुत ही संवेदनशील होना होगा एंड सीक फोर दैट विच इज बिहाइंड इट और उस चीज को खोजने में लगे रहे हैं जो इनके पीछे है एंड वी नीड टू डील विद और उनके साथ व्यवहार करना with होगा स्पिरिचुअल फॉर आत्मिक सामर्थ्य के द्वारा इन अदर वर्ड हेल्प ऑफ द होली स्पिरिट दूसरे शब्दों में परमेश्वर की आत्मा के सामर्थ्य के द्वारा वी नीड टू डील विद और सारे आत्मिक कारकुन और शत्रु की सामर्थ्य जो काम करती है और हमारी इस बुलाहट को वो आयार्थ बनाती है हमारी जिंदगी के अंदर चुनौतियां लेके आती है उनके साथ व्यवहार करें दिस इज नॉट फॉर यू और वो ऐसा कहेंगे देखो ये आपके लिए नहीं है यू आर नॉट गोइंग टू ओवरकम दिस और तुम इसे इस पे जयवंत नहीं हो सकते You know, so हमारी जिंदगी के अंदर ये क्रियाशील सिद्धांत के रूप में काम करते रहे come behind those factors, जब तक हम उन कारकों के उस तरफ नहीं आ जाते हैं जो सामर्थ पीछे काम कर रही है हमारा खड़ा होना आगे बढ़ना उस क्षेत्र में आना परिपूर्णता में वो, वो दिक्कत तो पड़ जाएगा सो इट इज वेरी नेसेसरी आरम्भ में हमने सुना our eyes to be open. हमारी आंखें खुल जाएक सच्चाई की इस बुलाहट के सच्चाई के प्रति हमारी आंखें खुल जाए जरूरी है लॉर्ड एंसर टू दीज चैलेंजेस दैट वी फेस और जो चीजों का हम सामना कर रहे हैं परमेश प्रभु का उत्तर उसके प्रति क्या है और वो एक ही तरह के नहीं होते किंतु always in one certain direction पर एक विशेष सिद्धांत के अंतर्गत होता है या उसका प्रभु like का उत्तर विशेष सिद्धांत के अंतर्गत होता है द लॉर्ड्स एंसर टू दीज चैलेंजेस वी फेस इन अवर लाइफ और जिन चुनौतियों का हम सामना करते हैं प्रभु का उत्तर यह है नॉट बी इन द सेम वे और वो एक जैसा एक समान the Lord's नहीं होता एंसर में नॉट बी द सेम वे और परमेश्वर का उत्तर एक ही तरीका नहीं होगा बट द लॉर्ड्स एंसर इज ऑलवेज इन वन सर्टन प्रिंसिपल प्रभु का उत्तर एक विशेष सिद्धांत के अंतर्गत होगा बुक ऑफ फिलिपीन्स और फिलिपियो के पत्र में हम ये बातों को पढ़ते हैं स्क्रिप्ट आइए उसको पलटे हम फिलिपींस चैप्टर वन फिलिपियो के पत्री का पहला अध्याय है ट्वेल्व और आई बारह ट्वेल्व एक बारह बट आई वुड He should understand, brethren, that the things which happen unto me have fallen out rather unto the furtherance of the gospel. He says the things that happened to me has out for.

इट्स वर्किंग टू द फर्दर और वो कहता है जैसा पोलूस लिखता है प्रोग्रेस ऑफ द गॉस ये सारी चीजें जिसका मैं सामना करता हूं वो सुसमाचार की उसके द्वारा बढ़ती हुई है the furtherance of the gospel. और उसके द्वारा सुसमाचार की बढ़ती ही हुई है in his life. उसकी जिंदगी में उसने देख लिया oh, परमेश्वर हमारी सहायता करे यू नो वी सो वी सी हम देखते हैं और जो चारों तरफ नैसर्गिक रूप well, से है, पोल उसके बाहर देख us सका us और प्रभु हमें करें। faith, और ऊपर उठने के लिए हमें विश्वास की आवश्यकता है सारी चीजों के बहाली के लिए विश्वास की आवश्यकता है क्या हम उठने के लिए और बैठने के लिए हमें विश्वास की आवश्यकता है हमारी जिंदगी में पॉलिस वो देख सका जो और नहीं देख सकेट दिंग्स विच है जो चीजें मुझ पर बीती सुसमाचार की बढ़ती ही What हुई क्या अद्भुत बात है वो देख सका कि जो कुछ उसके साथ हुआ ज है फर्दर ऑफ गॉड पर्ट सबको जो हो रहा था वो परमेश्वर के उद्देश्य की In बढ़ती के लिए था उसकी जिंदगी और उसका समय एंड दैट इज वन वे लेट मी टेल यू ब्रदर्स एंड सिस्टर्स और यही एक मार्ग है लॉर्ड और इसी प्रकार से प्रभु अपने शत्रु को उत्तर देता है दैट इज वन वे In which the Lord answers the enemy. और यही एक तरीका है जिसके द्वारा परमेश्वर अपने शत्रु को उत्तर देता है you know, so पोलिस वो देख सका जो और सब देख ना सके the circumstances around him, और जो चारों तरफ फेवरिंग और बहुत ही उसको उसके अनुकूल नहीं थी सारी परिस्थितियां And therefore he says In the midst of that He is that which He himself could not see in the natural Now that is faith Oh may God help us I am the Lord To convey this thought Or this word to all of us today

For whatsoever is born of God overcometh the world. And this is the victory that overcometh the world, even our faith. Now, for want of time, I'm not turning to many other translations. For whatsoever is born of God overcometh the world. और एंड दिस इज द विक्ट्री दैट ओवरकम द वर्ल्ड इवन आवर फेथ जो परमेश्वर से जन्मा संसार पर जय प्राप्त करता I, है और वह है that, हमारा विश्वास इज में कहूंगा फेथ इज द विक्ट्री और ओवरकम विश्वास जय है जो जयवंत करती है आई एम पुटिंग दैट इन शॉर्ट और में कहूंगा एंड आई वुड से फेथ इज दिक्ट्री विश्वास जय है प्राप्त कर लेक इन प्रिंसिपल इन अवर लाइफ ताकि सिद्धांत के रूप में हमारी जिंदगी में काम करे at work in our day-to-day -day life. ताकि ये सच्चाई हमारी जिंदगी के प्रतिदिन काम करे victory ओवर और विश्वास जय है जो जयवंत करातीजरी इज फेथ इज द विक्टरी विश्वास जय है फेथ इज द विक्टरी दैट ओवर विश्वास जय है विक्टी दैट ओवर खमत विश्वास जय ही है जो हैविंग जयवंत आई वॉन्टर्न एस ऑल्सो टू द बुक ऑफ हिब्रूस इब्रानी के पत्र 11 अध्याय पलटना चाहता हूं and chapter or <coughs> hebrews chapter 11 and verse 1 of now faith is the substance of things hoped for the evidence of things not seen the evidence of things not seen. and ki थिंग्स नॉट सीन अंदेखी वस्तुओं का प्रमाण है वंस अगेन एज ए सेट आई एम नॉट टर्निंग टू अदर ट्रांसलेशन बट अन्य अनुवादों को नहीं पता ट्रांसलेन से लाइक दिस और दूसरे अनुवाद इस प्रकार से कहते हैं इज द कन्विक्शन और विश्वास द रियालिटी ऑफ थिंग्स नॉट सीन विश्वास अनदेखी वस्तुओं की सच्चाई की कायलता है फेथ इज द कन्विक्शन और अनदेखी रियालिटी ऑफ थिंग्स नॉट सीन अनदेखी वस्तुओं की सच्चाई की कायलता है विश्वास फेथ इज द विक्ट्री दैट ओवर खमत विश्वास जय है और वह जय कराती है फेथ इज द कन्विक्शन और विश्वास कायलता रियालिटी ऑफ थिंग्स नॉट सीन अनदेखी वस्तुओं की सच्चाई का ंगर जन और जो जवान पीढ़ी से मैं कहना young चाहता हूँ सिस्टर्स जो जवान भाई बहन है एंड टू द सेकेंड जनरेशन और दूसरी पीढ़ी से कहना चाहता हूँ वन ऑफ दिंग्स आई एम एबल टू सी टूडे इज और एक चीज में देख लैक ऑफ फेथ मुख्यतः विश्वास की कमी and है ट्रस्ट इन गॉड एमंग्रदर्स बहुत सारे जवान बच्चों के अंदर भाई बहनों के अंदर प्रभु पे भरोसा नहीं है दो देर बन गई जबकि उनका नया जन्म हुआ they are filled in the Holy Spirit. और बेप्टिस्ट बहुत स्पिरट और आज पवित्र आत्मा से भरे हुए बट्स अनफॉर्चुनेट दैट प्राबाद बस मैनी लैक दैट फेथ बहुत सारे लोगों के अंदर विश्वास गॉड इन देर एवरीडे लाइफ और भरोसा परमेश्वर के प्रति उसका अभाव है उनकी जिंदगी के अंदर इट्स अनफॉर्चुनेट दैट मेजोरिटी आर कॉट कॉटअप विद रीजन ऑफ देर माइंड और जो अधिकांश लोग हैं वे अपनी मस्तिष्क की सोच में फंसे हुए हैं। वो अच्छे विश्वासी ही जबकि मेरे प्रिय भाइयों में लव दम इन द लॉर्ड बट इज सच करता हूँ परमेश्वर पर उनके अंदर विश्वास की कमी और अभाव है देर इज नो ट्रस्ट इन गॉड प्रभु पे कोई भरोसा नहीं है उनका प्लीज कृपया like हम इसराइल के समान नहीं हो सकते हुए उन्होंने विश्वास किया भरोसा किया कि से वो छुड़ा सकता परमेश्वर गॉड वो जंगल के सफर में बचाएगा ये भरोसा उन्होंने नहीं किया And that's where many believers are seen today, even amongst us. Please. Let's consider this in This truth become a working principle, working truth in our lives. और ये सत्य क्रियाशील सिद्धांत के रूप में हमारी जिंदगी के अंदर काम करे इसकी आवश्यकता लॉजिक दैट पर्पस ऑफ गॉड इन योर लाइफ माई यंग ब्रदर्स मेरे भाईओ बहनों जो जवान हैं पर, परमेश्वर का उद्देश्य जो हमारी जिंदगी में है उसे ये सारे सारे सोच वो रद्द कर सकती है पैकेट मैं आपको एक पैकेट के रूप में नहीं दे सकता इन बातों को दिस इज ये तो आपके अंदर इन चीजों को बढ़ना है ट्रस्टिंग इन गॉड इन योर ओन लाइफ आपकी जिंदगी के अंदर भरोसा बढ़ना है और वो परमेश्वर के साथ रिश्ते से होगा By God opening our your spiritual eye and my spiritual eye. मेरे और आपकी जिंदगी में परमेश्वर हमारी आंखों को खोल देता so करे Faith is the the victory that overcomes. विश्वास जय है जो हमें जयवंत कराती है Faith is the conviction of the reality of things not seen. और विश्वास अनदेखी वस्तु की सच्चाई की reality कायलता है of things not seen. अनसीन वस्तुओं की कायलता की सच्चाई है

Now, if this word is going to be real in our lives, यदि ये वचन हमारे जिंदगी में वास्तविकता में है then तो फिर we will be able to experience victories in our lives. तो फिर हम जयवंतता को अनुभूत करेंगे Faith is the victory. और विश्वास जय फेथ इज द विक्ट्री दैट ओवर्ड खमत और विश्वास जय है जो जयवंत कराती है सो व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ विक्ट्री फॉर तो विश्वास जय का भेद क्या है विश्वास जय ओवल खमत जो जयवंत करती है इफ दैट इज ट्रू अगर वो सच्चाई है देन व्हाट इज द सीक्रेट ऑफ विक्ट्री तो फिर जय का भेद क्या है लिसन से सुने इफ फेथ इज द विक्ट्री, विजय द रोवर कमक और विश्वास जय का भेद है इफ दैट इज ट्रू यदि ये, ये सत्य है देन वॉट इज द सीक्रेट ऑफ विक्ट्री। तो फिर विजय का भेद क्या है वी नो इट इज़ हम जानते हैं But कि what is विश्वास है वह क्या है It is the capacity for looking unto those things which are unseen. The secret of victory is the capacity for लुकिंग थिंग्स नॉट सीन जिससे अंधे की वस्तुओं को देख सकें सो इफ यू आर लुकिंग फॉर थिंग्स नॉट सीन यदि वो चीजें जो अदृश्य हैं, अगर उसको देख रहे हैं वॉट आर यू टू अवॉइड तो फिर किन चीजों को हमें अलग करना होगा it? किस चीज की ओर नहीं देखना हो, होगा बताए इफ यू आर लुकिंग फॉर थिंग्स नॉट सीन और ऐसी जो अदृश्य से देख रहे हो तो फिर कौन सी चीजों ओर नहीं देखते हैं आप इफ यू आर लुकिंग एट थिंग्स नॉट सीन यदि आप अनदेखी वस्तुओं को देख रहे हैं तो कौन सी चीजों को नहीं देख रहे हैं आप यू आर लुकिंग एट थिंग्स नॉट सीन वॉट यू आर नॉट लुकिंग एट तो अनदेखी वस्तु को अगर आप देख रहे हैं सीन तो जो चीजें उसको हम नहीं देखते हैं और ये महत्वपूर्ण है If you are looking at things not seen, then you are not looking at things seen, you are not able to in interpret it rightly. You know, if faith, if the secret of victory is this, faith, then the scripture says, faith is the conviction of the reality of things not वचन कहता है कि विश्वास की वस्तु की सच्चाई की है। यदि यह सच्चाई है तो विजय का भेद यह है कि वो क्षमता मुझ में टू लुक एट थिंग्स नॉट सीन और उन अनदेखी वस्तुओं को हम देखें देखेंसिस्टेंटली लुकिंग नॉट एट थिंग्स दर आर सीन फिर वो जो चीजें जो दिख रही हैं उन्हें ना देखें आई एम नॉट प्लेइंग विद वर्ड्स मैं शब्दों के साथ नहीं खेलवाड़ कर रहा हूं पर मैं परमेश्वर का वचन कह रहा हूं दिस इज वेयर और यहीं पे वी ऑल हैव डिफिकल्टी यहां हमें कठिनाइया है दिस वर्ड Yet clear to us. और मैं परमेश्वर की ओर देख रहा हूँ कि ये वचनों को हमारी जिंदगी स्पष्ट करें प्रोग्रेस जैसे हम आगे बढ़ते हैं so side, और हम निरंतर प्रयास करें कि वो जो चीजें जो अनदेखी हम उसकी ओर देखें लुकिंग एट थिंग्स नॉट सीन और वो चीजें जो की देखिए उसकी ओर देख सकें नाउ वी कैन सी दिस टू बी द ट्रूथ एमंग मैन ऑफ गॉड इन द हिस्ट्री ऑफ गॉड्स पीपल परमेश्वर के लोगों के मद में परमेश्वर के लोगों का इतिहास हमें बताता है गॉड्स पीपल इन द हिस्ट्री इन द वर्ड ऑफ गॉड वी सी एक्सपीरियंसिंग दिस और हम देखते हैं कि उन्होंने इन सारी चीजों का अनुभव किया है नाउ एज ए आई दैट स्क्रिप्चर लाइफ ऑफ पॉल जिंदगी को मैंने उठाया देखा इट्स फॉर द फर्द वो कह रहे हैं कि चीजें जो बीती हैं वो तो सुचार के बढ़ोतरी के लिए इन फैक्ट ही थिंग ऑफ डिफिकल्टीज जबकि वो कठिनाइयों के मध्य जूझ रहा था हम बहुत सारी समस्याओं का सामना करते हैं पर परमेश्वर का जो होता है एक तरीके का नहीं होता a certain principle. पर एक विशेष सिद्धांत के तहत होता है और हर चीजें मिलकर एक ही दिशा में काम करती है और भलाई के लिए हर एक चीज मिलकर भलाई उत्पन्न करती है और एक ही दिशा में वो काम करती है क्या हम नहीं देख नहीं पाते क्या हम ये देख नहीं पाते मेरे भाइयों बहनों विदर नेचुरल आय हमारी आंखों से हम इन बातों को देख नहीं पाते spiritual eye. पर अपनी आत्मिक आंखों से इन बातों को देखें एंड बिकॉज वी आर नॉट सीइंग क्योंकि हम नहीं देख पाते वी दैट कैपेसिटी क्योंकि हमारे पास वो क्षमता नहीं है तो लुक एट थिंग्स विच आर नॉट सीन और जो चीजें अनदेखी हैं उसे हम देख नहीं पाते। हैं। We look at things which are seen और जो चीजें दृश्याने के बल्मों नहीं देख पाते। हैं। But it has to be just the other way पर इससे बिल्कुल जुदा एक बात है। Our eyes have to persistently see what is unseen और हमारी आंखें उसकी दिशा में निरंतर लगी रहें कि जो अनदेखी है डेलिब्रेटली रिफ्यूज टू सी वॉट इज सीन और जो कुछ दिख रहा है बिल्कुल प्रयास करें भरसा कि हम उसे न देखें एंड दिस इज वाई वी फेस एंड एक्सपीरियंस स्पिरिचुअलिस और यहीं पे हम देखते हैं आत्मिक अपंगता कई बार ऐसी अवस्थाओं में हम पराजय का सामना करते हैं we, we experience... हम अनुभूत करते हैं सच डिफीट्स इस प्रकार की पराजय इवन गिव अप इसे छोड़ना नहीं चाहते यू नो वाई इट्स बिकॉज वी हैव ऑलवेज बीन लुकिंग अप ऑन थिंग्स विच आर विजिबल हमेशा हमारी प्रवृत्ति यह कि हम उन चीजों को देखते secondly, हैं जो दिख रही है ऑलवेज लुकिंग अपॉन थिंग्स विजिबल एंड जजिंग विथ आवर और जो दिखने वाली चीजें हम उसी को देखते हैं उसी के अनुसार स्वाभाविक दृष्टि से हम न्याय भी कर देते हैं हम अपनी की आंखों से we चीजें देखते हैं we और अपनी ही दृष्टि के द्वारा नैसर्ग दृष्टि के, के द्वारा उनका न्याय भी करते हैं एंड और इसलिए इसीलिए हम आत्मिक अपंगता को अनुभूत करते हैं जैसा मैंने आरम्भ कहा यदि हमें ऊपर की बढ़ना है और, और अपनी स्थिति को बरकरार रखना है तो हमारी जिंदगी के अंदर जरूरी है कि हम विश्वास को बनाए रखें और स्थिति को बरकरार रखें God brings victory into our lives परमेश्वर विजय हमारी जिंदगी में लेके आता है How true it is और ये कितना सत्य है Maybe not because of us हमारे कारण नहीं कई बार but because of somebody else किसी और के कारण Somebody else's faith किसी और का विश्वास Somebody else's discernment और किसी और का देखना ट इज ब्रॉड और वो लेके आता है विक्टोरियस to us, हमारे जयवंता का कारण बनता है In our situations, हमारी परिस्थितियों के अंदर जैवंता this is also true और यह सत्य है somebody else's faith किसी और का विश्वास Somebody discernment किसी और का देखना और वो दिव्य सारे स्रोतों के द्वारा और सच्चाई जो कि देखने वाली चीज के परे है देयर फे उनका विश्वास देयर सेंसिटिवी उनकी उनका संवेदनशील और वो देखते हैं खोज में रहते हैं कि चीज पीछे क्या है वो हमारी जिंदगी के अंदर छुटकारा लेके आते हैं परमेश्वर हमारी है सहायता करे I would like to bring us to a scripture which will make this yet more clear to us. Second Corinthians 2 Corinthians Corinthians चैप्टर फोर चौथा अध्याय वर्स एटीन अठारवी आयत सेकेंड क्विंस दूसरा क्विंत की पत्री चैप्टर फोर अध्याय चार और उसके अठारहवीं आयत वाई विल लुक नॉट एट द थिंग्स विच आर सीन but at the things which are not seen for the things which are seen are temporal but the things which are not seen are eternal hallelujah yeah. now this twofold issue yeah uh, though मुद्दे विल है इन आवर डे टू डे लाइफ प्रतिदिन के जीवन में इन चीजों को हमें देखना है इट्स वेरी इंपॉर्टेंट और यह बहुत ही महत्वपूर्ण है एज ए सैड ऑल थिंग्स आर वर्किंग टूगेदर फॉर गुड और हर एक चीज थिंग्स आर की भलाई प्रगति

और हम यहां देखते हैं सो आई एस आई जस्ट मैं वाइल्ड बैक जैसा कि थोड़ी देर पहले मैंने कहा बिकॉज ऑफ समिचुअल डिजर्नमेंट किसी दूसरे का जो देखने का तरीका किसी और का फेथ उसका विश्वास वी हैव एक्सपीरियंस डिलीवरेंट और हम छुटकारे का अनुभव करते हैं और जैवंता का अनुभव करते हैं because of their close walk with God. परमेश्वर के साथ तो उनका नजदीकी जो चलन है उसके द्वारा होता है Hallelujah. We have experienced deliverance. We have experienced our spiritual progress. और हमने हमने जो है अपने छुटकारे और ऊपर की दिशा में बढ़ने का अनुभव किया है बिकॉज ऑफ अदर्स दूसरों के कारण वॉकिंग विद गॉड जो परमेश्वर के साथ चल रहे हैं थैंक यू जी बिकॉज दीज मैन और ये लोग दे रिफ्यूज टू लुक एट सिचुएशन इन्होंने इनकार कर दिया परिस्थितियों की ओर कि जैसी वो हैं दे टुक दे आईज ऑफ फ्रॉम दो सिचुएशन उन परिस्थितियों से उन्होंने अपनी आंखों को हटा लिया एंड दैट इज अ सीक्रेट और ये उसका भेद है

उसके पीछे के विषय में विचार करते हैं क्या है? things which are not seen. और वो चीजें जो अनदेखी हैं हम उसे what देखने का प्रयास करते हैं और But what is unseen is the enemy behind it. और जो कुछ हम देख रहे हैं हमारे सामने इसके पीछे शत्रु है और उसे हम देख सकें कृपया और दूसरी तरफ हम देखते हैं the mighty power of God. परमेश्वर की शक्तिशाली सामथ काम purpose, करती है परमेश्वर का उद्देश्य परमेश्वर की सोच और परमेश्वर का विचार विच इज ऑल्सो अनसीन जो कि अनदेखा है और इनराइज स्पिरिचुअलाइज हैव टू बी ओपन हमारी आत्मिक आंखों को खुलना होगा देखने be, के लिए टू सी बियॉन्ड द ऑपरेशन बियॉन्ड डिफिकल्टीज बियॉन्ड द सिचुएशन सारी परिस्थितियों के और स्थितियों के और उसके जो कार्य के पीछे हम देख सकेट राइटनिंग right जैसा की आरम में जिस सिचुएशन यू नो स्टैंडिंग अलोन देर आर पावर्स बिहाइंडल परिस्थिति पावर्स बिहाइंड परिस्थितियां ही नहीं जो हमारे सामने खड़ी पर उसके पीछे जो आत्मिक शक्तियां हैं और जो आत्मिक कारक उसके पीछे छुपे हुए उसे देखना है सहायता you know, करे। easy to share a word like this, इस, इस तरीके के वचन को बांटना नहीं। मैं भरोसा करता हूँ परमेश्वर परमेश्वर हमारी सहायता करे नाउ एस वी आर सी इन सेकेंड क्ल फोर एटीन जैसे लुक आउट लुक नॉट एट द थिंग्स which आर सीन और हम तो देखे हुए वस्तुओं को नहीं देखते बट things which आर नॉट सीन और वे चीजें जो अनदेखी हैं उसे देखते हैं यू नो एंड वी सी दैट हम देखते हैं यू नो ग्रेट विज कम वेन वी लुक एड मेन विजय आ रही है जैसे कि परमेश्वर के जनों को बाइबल में देखते हैं इज वेरी एनकरेजिंग टू सी ये सच में बहुत ही उत्साहित करने वाला है देर डेलीवरेंट्स उनका छुटकारा and the the triumph over the situations परिषद group पर उनकी जय did not come by things which were seen और वो चीजें जो देख रहे उनके द्वारा नहीं आती but it came the way things were not seen और वो उस मार्ग से आती हैं जो कि ना देखी चीजें हैं and that's the wonderful reality of god's principle और परमेश्वर के सिद्धांत की ये अद्भुत सच्चाई है डिड नॉट कम दिच इज विजिबल और जो दिखने वाली चीजें उसके द्वारा नहीं आती है इट लुक लाइक नेगेटिव और ऐसा दिखता है जैसे ये नकारात्मक है

उनके द्वारा जयवंतता आती है उभर that के जुड़ती है और ज्यादातर हम उससे जो नकारात्मक दृष्टि वही हम देखते हैं परमेश्वर की सकारात्मकता को थ्रू दैट विच इज नॉट सीन एंड दैट विच इज सीन बिकेम ट्रूली एन नेगेटिव थे और जो अनदेखी चीज स... यथार्थ हो जाती है और oh जो देखी God, हुई चीजें God. नकारात्मक साबित हो जाती हैं। no, एक बात कहना चाहता हूं यहां पे। थिंग्स आर आर हिडन जो चीजें छुपी हुई सी कई बार हम ऐसा देखते हैं थिंग्स आर हिडन कि चीजें छुपी हुई हैं फ्रॉम आवर आईज हमारी आंखों से नॉट नो वो चीजें जो हम जानते नहीं प्यूरिफाइड you know, और इन स्थानों में हमारा विश्वास शुद्ध किया जाता है दैट इज वेयर और फेथ इज प्यूरिफाइड और इन स्थानों में हमारा विश्वास शुद्ध किया जाता है दट वी नीड टू ट्रस्ट गॉड मोर और यही हमें अत्यधिक परमेश्वर पर भरोसा करना है That's where we begin to experience his nearness. और यहीं हम जो उसकी नजदीकी का अनुभव करते हैं हमारा विश्वास होता है। As we, read, that's where we begin to see Him. तो यहीं से हम देखते हैं इनविजिबल और अंध की वस्तु को देखना आरंभ करते हैं प्राणी की पत्री. Chapter 11. ग्यारह अध्याय इलेवन की पत्री क्या सेवन और faith, 27, Egypt, 27. Not fearing the नॉट of इन द for he ही as seeing हिम हु इज invisible. He endured as हिम him invisible. हाल seeing दैट इज नॉट seen. वह अनदेखे को मानो देखता हुआ दृढ़ रहा So that is where our faith is purified. और यही हमारा विश्वास शुद्ध किया जाता है Now, <coughs> let me show you one or two एक दो उदाहरण और बताना चाहता हूँ मीट द बुक ऑफ एक्सडेस और निर्गमन की पुस्तक एंड चैप्टर फोर्टीन पश्चात भी आयत द एग्जाम्पल ऑफ द चिल्ड्रन ऑफ इसरायल और इसराइल के लोगों का उदाहरण And we know that the children of Israel came out and they were followed by Pharaoh's army. And they were right before the Red Sea. And, and then behind them, they could see the armies. उनके पीछे फिरों की जो सेना थी वो आ रही थी सो वेन द डीप सी इज लाइंग जब गहरा समुद्र उनके सामने था ए हार्ड एंड एंड इनफ्यूरिएटेड फेरो परसुईंग आफ्टर देम। और फिरोन जो कि क्रोधित था और कठोर था वो उसका पीछा कर रहा था उन इसराइलियों का The armies of Pharaoh hotly pursuing, hard pursuing after. और फेरोन की सारी सेना इसराइल के लोगों का पीछा कर रही थी पूरे It was an unnegotiable situation और ऐसी स्थिति थी जहां मोलभाव नहीं किया जा सकता है on either side. दोनों तरफ ह्यूमनली इम्पॉसिबल सिचुएशन और ऐसी परिस्थिति जो कि इंसान के लिए असंभव है things are written और एडमिनिस्ट्रेशन जैसा पोलिस कहता है कि हमारी शिक्षा के लिए हमारी चेतावनी के लिए और हमारे सीखने के लिए बट किंतु सी जैसा हम देखते हैं नॉट थिंग्स सीन पर हम वैसा नहीं देखते हैं, जैसा principle. जैसा You know, as we look at that scripture again, one finger there, going एक, back again to the book of uh, 2nd Corinthians chapter 4, verse 14, 18, आए, आए, you know, while we look not at the things which are seen, but... बॉट इज वेरी हाफुल और यहां पर जो परंतु बहुत ही शक्तिशाली एड थिंग्स विच आर नॉट सी अनदेखी वस्तुओं को देखते हैं हम देर डिलीवरेंस केम नॉट एड थिंग्स विच आर सीन और देखने वाली चीजों से उनका छुटकारा नहीं वो सीन वॉज अटली प्रोस्यूइंग आर्मी बिहाइंड दिम और फिरों की सेना जो कठोरता से उनका पीछे कर रही थी और सामने उसके लाल समुद्र था और बिना सिबल ऐसे ऐसी स्थिति जिसको कि मनुष्य के सामने असंभव सी हो is, पर उसके बचाने वाला no रवैया देखें कि वो चीजें जो कि अनदेखी हैं और जो चीजें दिख रही हैं उनकी ओर न देखें थिंग्स बट but, पर बट पर थिंग्स विच आर नॉट सी पर वो चीजें जो अनदेखी है you know, हमारी आंखें कहा लगी है ओपन और Now, यही हमारी आंखें खुल जाना that चाहिए that. हम जानते हैं हम एक बहुत ही कठिन परिस्थिति से Even गुजर रहे हैं कंट्री और एक देश होने के नाते वी आर गोइंग थ्रू टाइम इवन इन भयानक समय से गुजर रहे हैं इस नगर में नगरों में, में। to to और और परमेश्वर मुझसे बातें करने आर सीन जैसी चीजें दिख रही हैं उसकी ओर न देख वी आर टू टेक आइज ऑफ हमें अपनी आंखों को वहां से हटा लेना होगा कितना समय हम व्यतीत करते हैं उन चीजों को देखने में कि लोग मर रहे हैं सड़क के ऊपर सचिंग वी आर भयानक चीजें हम पढ़ रहे हैं देख रहे हैं और वो सारी निरुत्साहित करती है हमारे हृदय के अंदर भय पैदा करती हैं our own dear ones are और हमारे अपने प्रिय लोग जो है इसे प्रभावित हुए दिस पैंडमिक इस महामारी से पर हमें अपनी आंखों को वहां से हटा लेना होगा Amen? हमें अपनी आंखों को वहां से हटा लेना होगा मैं नहीं कह रहा हूं कि आप मूर्तपूर्ण जीवन जिएं। बट वी नीट टू नो वै पर हमें बात को जान लेना होगा कि अपनी आंखों को वहां से हटा लेना हो जो कुछ दिख रहा है उठा जो कुछ दिख रहा है उस क्षेत्र को देखे जो अनदेखा है समय में हम जी रहे हैं इसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है सारी परिस्थितियाँ जो प्रतिदिन की उसमें ये लागू होता है बहुत सारी चुनौतियां हमारी जिंदगी के अंदर है एम एन परमेश्वर सहायता करे visible। और हमेशा वो चीजों को देखते हैं जो दिख रहे इसलिए हम बहुत सारे बहुत सारे समय, होते हैं पराजय देखते हैं वी आर बाउंड वी आर लॉस्ट और हम बाध्य होते हैं हार जाते हैं हो जाते today. हैं मैं कोई फलसफा नहीं कह रहा हूँ ंग साइकोलॉजी टूडे मैं कोई मा, मा, मानव विज्ञान नहीं कह रहा हूँ मैं तो परमेश्वर का वचन कह रहा हूँ परमेश्वर के सिद्धांत को कह रहा हूँ और ये क्रियाशील सिद्धांत हमारी जिंदगी के डिलीवरेंस हमारा छुटकारा और हमारा ऊपर पड़ना वो सारी चीजें विश्वास की मांग करता है विच इज द कन्विशन ऑफ द रियालिटी वस्तुओं की सत्यता Faith की is the कायलता है that overcometh. और विश्वास जय है जो जयवंत बनाता है yes, that overcometh. जो जयवंत बनाता I want to है। underline, मैं इस बात को रेखांत करना चाहता हूँ हम जानते हैं कैसे इज़राइल की इसमें छुटकारा और देखने वाले वातावरण से नहीं आया इट केम अन सीन ये तो अनदेखी क्षेत्र से वर्ड द गॉड्स पीपल परमेश्वर का वचन परमेश्वर दो के लिए आया कि आगे बढ़े वॉट टू दी दर्ड ऑफ गॉड परमेश्वर के वचन के प्रति आज्ञाकारी गारी बने नो मैटर वॉट यू सी कोई मुद्दा नहीं जो कुछ आप देखते हैं नो मैटर वॉट यू सी कोई मुद्दा नहीं जो आप देखते हैं इनविजिबल एंड मूव फॉरवर्ड पर उस देखे अदृश्य में देखे आप और वो है विश्वास That is faith, brothers and sisters. और वो है विश्वास मेरे भाई और बहनों गॉड हेल्प परमेश्वर हमारी सहायता करे लैंड ऑफ प्रोमिस और जो वाचा का प्रदेश थामेंट ऑफ दैट ग्रेट रियलाइजेशन ऑफ द पर्पस और वो देश की एंट्रिंग टू द प्रोमिस लैंड देश की परिपूर्णता में आना और उस वाचा के प्रदेश में बने रहना उनके सामने था और बहुत दुखमय तैयारियां थी जिसकी जरूरत थी बिफोर सामने थी जस्ट एज वो एक क्रूस के समान थी और जो क्रूस लाल समुद्र था उनके सामने क्रूस के जैसा था सो देर आर चैलेंज चुनौतियां हैं जिनका हम सामना करना आरंभ करते हैं टू से टू ऑल ऑफ अस इवन टूडे एक बात कहना चाहता हूं हर एक से आज वी फेस दिस चैलेंजेस इन सारी चुनौतियों का हम सामना करते हैं राइट चैलेंजेस महान चुनौतियां कर्नालिथी नेचुरल सेंसेस जो हमारी शारीरिक सोच है और हमारी संवेदनाएं हैं और शत्रु की शक्तियां ये हमारे जो आ, हमारे निराश के विरोध में हमा, हमारी तैयारी हो कि हम आगे उस वाचा के प्रदेश के लिए आगे बढ़े मेरे भाइयों यू नो एंड वी लुक एट इजराइल ऑफ ओल्ड हम इज़राइल को देखते हैं दिस One after the other. और एक के राइजिंग वन ऑफ जैसी समस्या उनके सामने खड़ी थी at them, उनकी ओर घूर रही थी मेकिंग ए डिफिकल्ट फॉर देम उनके लिए चीजों को कठिन बनाए जा रही थी रिमेम्बर पर याद रखें गॉड वेट्स इन दी अनसीन परमेश्वर इंतजार करता है उस अंत्य के स्थान में गॉड वेट्स इन दी अन और परमेश्वर उस के स्थान में इंतजार करते हैं और हम मोसेस के जीवन देखते हैं और जो अनदेखा था उसकी ओर वो देखता रहा यू नो आई वॉन्ट से कहना चाहता हूँ जब इसराइल की ओर देखते हैं। और जो परिस्थितियाँ जो कि एक डेट के समान थी उनके सामने आई इसका मतलब ये नहीं कि परमेश्वर ने उन्हें छोड़ दिया गॉड वॉज देयर परमेश्वर वहां था वे इंतजार कर रहा था इन द डिम अन मध्य प्रकाश और अध्यक्ष क्षेत्र के अंदर और जो मुद्दा हम देखते हैं कि जो चुनौतियां इसराइल जिनका सामना कर रहा था They were tempted to go back. और उनकी अजमाइश हुई कि वो वापस चले जाए कैपेसिटी टू मूव ऑन उनके पास क्षमता नहीं थी कि वो आगे बढ़ सके

और जो सर्व दिवाइन इकॉनमी इकॉनॉमीजे सिम टू बी अनरियल परमेश्वर के राज्य की जो It's उत्तम चीजें उनके लिए एक अयथार्थ थी and और अदृश्य थी तो इसलिए द इश्यू ऑफ गोइंग ऑन एंड गोइंग ओवर एंड प्रोसेसिंग सिम टू बी और इसलिए संभव नहीं हो सका कि उन्हें वहाँ के बढ़ना और उसे अधिकृत करना यह संभव नहीं हो सका। उनके सामने बड़ी परिस्थितियाँ थी डेथ के समान तो उन्होंने महसूस किया कि दौड़ जाएं। तो उनके पास कोई क्षमता नहीं थी कि इन चीजों को पकड़ लें। कि परमेश्वर के उस महान उद्देश्य के प्रति उनकी पकड़ नहीं थी इन दट वे गॉड्स एक्सपेक्टेशन हमारी जिंदगी में परमेश्वर की समझ आई आज और उन चीजों को ना देखें जो दिख रही हैं नॉट एट थिंग्स सीन और जो चीजें दिख रही हैं उसकी ओर ना देखें गोइंग बैक अगेन टू फर्स्ट क्रिन्द एक बार फिर पहला क्रोन्थी की पत्री फर्स्ट क्रिन्दिन पहला क्रंथी chapter 2, there's a scripture that most of us know, verse 9, as it is written, I hath not seen nor ear heard, neither have entered into the heart of man the things which God hath prepared for them that love him. But God hath revealed them unto us by his spirit For the the Spirit all things, things yea, deep of God. I not seen. स्पिरिट सर्ज और वो तो अनदेखा क्षेत्र है और कई बार लोग इस वचन को लेते हैं और की बात हैं. और जो सारी चीजें परमेश्वर ने तैयार की बहुत सारे जो मसीह हैं इस प्रकार से इसकी व्याख्या करते हैं वचन की स्पिरिट और परमेश्वर ने अपनी आत्मा के द्वारा इन बातों को प्रकट not कर दिया अबाउट द रिच इज वी हैव इन क्राइस्ट न मसी में जो धन है उसके बारे में कह रहा है ना कि स्वर के बारे में so the is, और Lord things seen. और समझ ये है समझाइश ये है कि जो चीजें ना दिखने वाली है नॉट एग्स सीन और वो चीजें जो अदृश्य जब मैं विचार कर रहा you know, था बात प्रभु ने प्रकट things, की तो मुझे दूसरा राजा एंड चैप्टर सिक्स और अध्याय छह सेकेंड किंग्स चैप्टर सिक्स दूसरा राजा छठवाध्याय समय गुजर गया है और जल्दी समाप्त करना है सेकेंड किंग्स चैप्टर सिक्स और दूसरा राजा अध्याय छे सेकेंड किंग्स चैप्टर सिक्स Therefore verse 14 I'm reading therefore send he thither horses and chariots and great host and they came by night and compassed the city about and when the servant of the man of god was risen early and came forth behold an host compassed the city both with horses and chariots and his servant said unto him alas my master how shall we do and he answered, Fear not, for they that be with us are more than they that be with them. So we see the master saw something which the servant did not see. Amen. The master saw something which the servant did not see. और स्वामी जो चीज देख पा रहा था उसका दास ये नहीं देख पा रहा था Fear not for they that be with नॉट फॉर देन अधिक हैं जो And here we सी द prophet saw द इनविजिबल और नवी वो अनदेखी चीजों को देख पा रहा था नॉट एट things सीन और जो चीजें दिख रही थी वो नहीं बट किंतु

फियर तो नॉट तो हो सका फॉर देर और मोर देन देखे ने प्रार्थना की ओ फे प्रभु ताकि ये देख सकते दे। मैंने थोड़ी देर पहले कहा और कुछ लोगों का विश्वास Capacity of some to see things और कुछ लोगों की क्षमता देखने की जो चीजें हैं नॉट सी और अनदेखी चीजों को जो देखने की क्षमता उनकी others. It brought दूसरों की सहायता करती है इधर वो दूसरों के लिए जयंती लेके आती है देखते हैं एलिशा ने प्रार्थना की

The besiege of the city by the enemy. शत्रु के द्वारा उसका पूरा नगर जो है उसके चार्थ पर घेराबंदी कर दी गई और कैसे शत्रु एक नगर को घेर लेता है वो भय से भर गया और डर से भर गया हृदय को आ गया और ऐसा लग रहा था जिससे वो अपंग हो गया फीलिंग तो उसके अंदर एक भावना आई कि क्या किया जा सकता God, पर पर का कहता है जिसके की सहभागिता प्रभु के साथ बहुत ही नजदीकी की थी और उसने चीजों को बहुत ही अलग तरीके से और जो हमारे साथ हैं उससे अधिक जो उनके साथ हैं open, जब दास की आंखें तो देख सका। और एलिशा के चारों ओर का पहाड़ अग्नि में घोड़ों और रथों से भरा हुआ था जस्ट वन मोर उसके एंड एक और बाद बाद करूंगा। और सत्ताईस अध्याय पोहित की पुस्तक है हम पॉलिस के बारे में पढ़ते हैं और उसकी यात्रा जो समुद्र की थी जर्नी ऑफ पॉल एक भयानक उसकी यात्रा

और मृत्यु हर एक के ऊपर लिखी गई थी एंड हियर God, का दास जो ऑफ गॉड पे सर्व एंड दरमेश्वर का दास जो पोलो नंबर स्पेशली फॉर द लॉन्ग ऑफ देंस टूट फोर्ट इन द देम एंड सेटसर्स यू शुड हैूज फ्रॉम क्रीड एंड सेव गेइन दिस हार्म And loss. And now I exhort you to be of good cheer, for there shall be no laws of any man's life among you but of the ship. Hallelujah. Hallelujah. The apostle who was, who has seen what others have been blind to. प्रेरित पोलोस उन चीजों को देख सका जो अनदेखी थी और वो दूसरे नहीं because देख सके उसके क्योंकि उनका जो जंगली स्वभाव था और उनके जो मनुष्य सोच थी और उनके शारीरिक सोच के कारण बिकॉज दे डू नॉट नो द लॉर्ड क्योंकि वे प्रभु को नहीं जानते थे बट फॉल गॉड्स मैन पर पोलुस प्रभु का जन वो, said, वो, वो कहता है और वो चीजें जो अनदेखी है oh पर वाई सहायता करे पॉल सो

जो कुछ उन्होंने देखा था उसके कारण वो भयभीत हो गए आंधी दे सो दूफान और को देखा और अफरा तफरी मच गई थी सो थ्रेट और विनाश देख रहे थे और उनको चुनौती मिल रही थी और यही ये सब कुछ हम आज देख रहे हैं ये अंधकार के जगत के अंदर This is what exactly और इस समुद्री यात्रा में और ये सब कुछ हम देख रहे हैं और सारे जो लोगों के जो आ, उनके उन्नति के बावजूद और इंसान की बुद्धि में यहाँ सफल हो गई और हृदय जो है हो रहे हैं चीजें देख and के और एक व्यक्ति है जो चीजें परिदृश्य के बाहर देख पा रहा है उसने कहा कि किसी की हानि नहीं होगी मैं यहां समाप्त करना चाहूंगा इन टू हिस्स सब चीजें उसी के हाथों में पड़ेंगी एवरीथिंग फॉल्स इन देंड्स ऑफ द लिविंग गॉड और जिप्ट परमेश्वर के हाथों में हर एक चीज आएगी वेन द मैन ऑफ गॉड ट्रस्ट इन द लॉर्ड जब परमेश्वर का जन परमेश्वर पे विश्वास पर करता है तो हर एक चीज जीव परमेश्वर के हाथों में आएगी गॉड्स परमेश्वर का स्रोत आरंभ होता है जब इंसान के स्रोत खत्म हो जाते हैं तब तो परमेश्वर के स्रोत आरंभ होते हैं और उसका ऑन थिंग्स विच आर सीन और वो चीजों पे भरोसा नहीं जो चीजें दिख रही हैं पर वे चीजें जो अदृश्य हैं, अनदेखी है उस पर भरोसा है मैं समाप्त करना चाहूंगा जब परमेश्वर के जन बिगिन टू पुट एवरीथिंग इन टू हैंड्स ऑफ गॉड विल ट्रस्ट प्रभु के हाथों में हर एक चीज को सौंप देते हैं और उसे प्रभु पर भरोसा करते हैं सेंसिटिव टू गॉड और परमेश्वर के प्रति संवेदनशील बने रहते हैं तो जीव थे परमेश्वर के हाथों में हर एक चीज आ जाती है और फिर यहां से उसके स्रोत आरंभ होते हैं और फिर घड़ी समाप्ति की ओर आती है thus, in in seen, और हमारा भरोसा उन चीजों पर नहीं जो चीजें दिख रही हैं पर वे चीजें जो क्या अनदेखी है और शाश्वत है Of all that is happening, इन के में, मैं कहना चाहता हूं जो कुछ हो, हो रहा है ग्रेट विक्टोरी कलिशक अपनी तो महान विजय की ओर आगे बढ़ते रहना है परमेश्वर के उस पूर्ण उद्देश्य की ओर बढ़ना है मेरे भाई और बहनों स्पेशलीफ के इन in this सारे दिनों के अंदर city, इन विपदाओं के समय परमेश्वर हमारी सहायता सहायता करना चाहता हूँ परमेश्वर हमारी सहायता करेगा इन सारी चीजों के लिए विश्वास की मांग है उसकी महिमा के लिए सारी चीजें इसलिए निरु, ना आप का पंगता में ना आए जो कुछ चीजें आप देख रहे हैं उसके कारण परमेश्वर हमारी सहायता करें लुक एट थिंग्स नॉट सी और इस प्रकार से देखें कि जो चीजें अनदेखी हैं उसकी उपस्थिति में हम सब खड़े हो जाएं और परमेश्वर को धन्यवाद दें। And sisters, what we heard today is not for our information. What we have heard today is not for our religious knowledge. But this word has to become a working principle in us. Amen. Hallelujah. Our ascendancy, our progression, the restoration of the church, the fulfillment of God's purpose. Demands faith. Hallelujah. Faith is the victory that overcometh. Faith is the conviction of the reality of things not seen. Hallelujah. How often we were defeated in the past. My young brothers and sisters, second generation, it is time to leave that realm of carnal judgments, reason, and come into the realm of the unseen. in our day-to-day -day life and situations. the situations we face, they are not stand-alone. There are, there are forces behind it, factors behind it. we need to see that by spiritual senses, the unseen there. and we fight those forces with the help of the unseen, eternal god. thank you, lord. Oh may God help us therefore. Hallelujah. How often we are intimidated by the enemy, by things seen. Hallelujah. God waits in the dim. Hallelujah. In the dim, unseen realm. Is waiting to show forth Himself. Hallelujah. Oh, may we pray, Lord, open our eyes to the One, to see the One who is invisible. Eye hath not seen, ear hath not heard. There's a whole lot of things in that realm. Hallelujah. Heavenly Father, we thank you for this day. Thank you for your word of God. It wasn't easy to share and minister this word. But thank you for your faithfulness. God is our prayer, this word will reach every hungry soul, penetrate into every hungry soul of God. Faith is the victory that overcometh. Faith is the victory that overcometh. Hallelujah. Hallelujah, Lord Jesus. The conviction of the reality of things not seen. Conviction of the reality of things not seen oh lord we pray open our eyes and convict us oh god of that those things which we have not seen hallelujah lord Help me, Lord. We have seen why we were defeated, why we have overcome in many circumstances, why we were paralyzed many times. Lord, thank you for the example of Israel, all other examples, including the example of thy great servant, Paul the Apostle. O oh God, truly we are standing in the midst of a tempest, raging waves of oh God, darkness, fears, distraction, death, looming large in the midst of this pandemic in this city and all over oh God. Lord, in the midst of that, you have a people of destiny, Lord. O Ramakya Shakai, minister your word to us. Open our eyes as you open the eyes of the servant of Elisha to behold the chariots. Hallelujah, Lord. Open thou our eyes. The hand of the eternal God upon his remnant church in the midst of it. Although there are situations, difficulties, Lord. Oh God, we pray that there shall be no loss of life, as the Apostle Paul said. We do not want to look at things seen, but things not seen of God. Things not seen. We want to look to the one who is invisible and live. Live not for ourselves, but live unto you, Lord Jesus. That's our prayer. I submit myself to you, Lord, to your lordship. I submit, I commit all my brothers and sisters to you. In the light of your word. Oh Ramakaya Shakatala Ramaka. Oh God, let thy word bring forth faith and that trust that we need in the one who saved us, preserved us for a purpose. It's our humble prayer and our cry to you. Yes, O oh God, hear us, answer us. O oh God, let there be a working truth, principle, word in our lives in these days. Worship Thee, bless Thee, O oh God. Deliver us from every human reasoning, mental games. O oh God, deliver us, Lord. It has only brought death to us. Yes, O oh God. Help us to exercise our spiritual faculties and live in these days of oh God. Give you the glory, give you the praise, God of glory. Thank you for hearing and answering our prayer, Father. Preserver of our lives, into your hands we commit ourselves. Worship thee, bless thee, and thank thee again. Give you all the glory and praise. In Jesus' most precious and matchless name we pray.